क्लास 4, बुक का नाम है कंप्यूटर। स्टूडेंट, हम रीड कर रहे थे चैप्टर नंबर, क्लास 4 में चैप्टर नंबर 4 रीड कर रहे थे। नेक्स्ट हमने जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, वो है पैराग्राफ स्पेसिंग। ये हमने रीड करना है आज। ट्रांसलेशन रीडिंग करते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ स्पेस अबव और बिलो अ पैराग्राफ। टू चेंज द पैराग्राफ स्पेसिंग फॉलो दीज स्टेप्स। आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे। नंबर वन है, सेलेक्ट द पैराग्राफ डैट यू वांट टू फॉर्मेट। सेलेक्ट द पैराग्राफ डैट यू वांट टू फॉर्मेट, जिसको आपने फॉर्मेट करना है उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। नंबर टू है, नंबर टू ऑन द होम टैब। होम टैब में इन द पैराग्राफ ग्रुप, होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में, यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास फिगर डायग्राम है। होम टैब में जब हम होम टैब को क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास क्या है, क्लिक द लाइन स्पेसिंग। हम लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ स्पेसिंग बटन और फिर पैराग्राफ स्पेसिंग। देन क्लिक एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, क्लिक एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, या स्पेस रिमूव कर देंगे आफ्टर पैराग्राफ। डिसाइड पैराग्राफ स्पेसिंग, फॉर एग्जांपल ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ इज सिलेक्टेड। नेक्स्ट है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग लिस्ट मेक टेक्स्ट इजियर टू अंडरस्टैंड। अ यूजर कैन ऐड बुलेट्स और नंबरिंग टू मार्क इंपॉर्टेंट लिस्ट इन द नंबर टेक्स्ट। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या है, जैसे कि हमारे पास ये पैराग्राफ में ये पैराग्राफ लिखा गया है, इसमें ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, इनको कहते हैं नंबरिंग। ये क्या है हमारे पास, नंबरिंग। अगर हमने नंबरिंग की जगह पे कोई एरो शो किया है या कोई स्टार हमने यहाँ पे शो किया हुआ है तो उसको हम बुलेट्स कहते हैं। इनको हम ये बुलेट्स का नाम, बुलेट्स एंड नंबरिंग का नाम देते हैं। बुलेट लिस्ट। अब बुलेट इज अ सिंबल सच एज स्केयर और सर्कल, हो सकता है वो स्केयर बॉक्स हो सकता है छोटा सा, डैट इज़ यूज टू मार्क द लाइन। टू क्रिएट अ बुलेट लिस्ट फॉलो दी स्टेप्स। अगर आपने लाइन में बुलेट यूज़ करना है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन द एरिया वेयर यू वॉन्ट टू एडिट द लिस्ट, इस एरिया को क्लिक करें जिस पर आपने बुलेट यूज़ करना है। अब नेक्स्ट है ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप। ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द बुलेट्स बटन, बुलेट्स बटन को क्लिक करें, अ बुलेट विल बी एडिट। अब बुलेट्स बटन को क्लिक करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल का निशान, एक डॉट का निशान आ गया, तो ये यहाँ पे बुलेट्स ऐड हो गई है, यहाँ पे बुलेट ऐड हो गई है। नंबर थ्री, टाइप द टेक्स्ट फॉर द फर्स्ट लिस्ट आइटम, प्रेस एंटर टू ऐड द नेक्स्ट लिस्ट आइटम एंड द बुलेट विल बी एडिट। आप एंटर करेंगे नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए तो वहाँ भी ऑटोमेटिकली बुलेट आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो बुलेट आ जाएगा। नेक्स्ट, नंबर्ड लिस्ट। टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट फॉलो दी स्टेप्स। क्लिक ऑन द एरिया वेयर यू वॉन्ट टू ऐड द लिस्ट, जहाँ पे आपने नंबर लिस्ट लगानी है आप उस एरिया को क्लिक करें। ऑन द होम टैब, होम टैब में इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द नंबरिंग बटन, पैराग्राफ ग्रुप में नंबरिंग बटन को क्लिक करें, अ नंबर विल बी एडिट, नंबर विल बी एडिट, नंबर्स ऐड हो जाएंगे। जैसे कि नंबर वन, नंबर टू, ये नंबर्स ऐड हो गए हैं यहाँ पे। नंबर थ्री है, टाइप द टेक्स्ट फॉर द फर्स्ट लिस्ट आइटम, प्रेस एंटर टू ऐड द नेक्स्ट लिस्ट आइटम। आप एंटर प्रेस करेंगे तो देन जो नेक्स्ट नंबर है वो नीचे आ जाएगा। अ नंबर विल बी एडिट, तो नंबर वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू एंड द लिस्ट प्रेस द एंटर की ट्वाइस, टू टाइम्स। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग स्टाइल्स। अ फॉर्मेटिंग स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स सच एज फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एंड पैराग्राफ अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग। यानी कि हमने कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, सिंपल इंग्लिश यूज़ करनी है या हमने स्टाइलिश वर्ड में लिखना है, फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, स्मॉल साइज़ होगा, ग्रेटर होगा, उस फॉन्ट का कलर क्या होगा, हमने ब्लैक कलर में लिखना है या किसी और कलर का फॉन्ट हमें चाहिए, पैराग्राफ अलाइनमेंट है, पैराग्राफ एक स्ट्रेट में होना चाहिए, स्पेसिंग लाइंस के दरमियान स्पेसिंग कैसे होगी, कितनी स्पेस होगी, कम स्पेस होगी लाइन के दरमियान, या एवरेज स्पेस है या हम दोनों लाइंस के दरमियान स्पेस ज़्यादा कर दें। एमएस वर्ड इंक्लूड सेवरल predefined styles that can be used to format headings, body text, etc.
to apply a style using the style gallery, follow these steps. Number one, select the text that you want to apply a style. Select the text, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें डेट यू वॉन्ट टू अप्लाई अ स्टाइल, जहाँ पे आपने स्टाइल अपनाना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है. नंबर टू, ऑन द होम टैब इन द स्टाइल्स ग्रुप, होम टैब में आपके पास मिलेगा वहाँ पे स्टाइल ग्रुप, उसको आप क्लिक करेंगे. सिलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल, जो स्टाइल आपने अपनाना है उसको आप सिलेक्ट कर लें, उसके ऊपर क्लिक कर लें. ये हमने जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट को. नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, एडिंग हेडर एंड फुटर, एडिंग हेडर एंड फुटर. हेडर्स हेल्प अ यूजर इन रिपीटिंग द कॉन्टेंट एट द टॉप ऑफ एवरी पेज, वेयर एज फुटर हेल्प्स इन रिपीटिंग द कॉन्टेंट एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट. अगर हमें दोबारा उसको डॉक्यूमेंट्स को देखना है तो हम हेडर या फुटर यूज़ करते हैं. हेडर एंड फुटर आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सच एज टाइटल, डेट एंड पेज नंबर. हेडर और फुटर क्या काम करते हैं, हेडर का जो काम है वो बेसिकली टाइटल का नाम लिखना है, सबसे टॉप पे हम डेट लिख सकते हैं. हम फुटर है, फुटर में नीचे जैसे कि यहाँ पे आपकी बुक में नीचे नंबरिंग है 42 पेज, तो ये क्या है, फुटर है, इसको हम फुटर बोलते हैं. हेडर में क्या आ जाएगा, टॉप पे हेडिंग्स वगैरह आ जाएंगी. डेट भी हम जो पेज नंबर को भी हेडर में लिख सकते हैं और टॉप पे भी लिख सकते हैं और फुटर में भी. नंबर टू है एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू डिस्प्ले एट द टॉप और बॉटम ऑफ एवरी पेज. कंप्यूटर 4 इज यूज एज एन एग्जांपल बिलो टू एक्सप्लेन. टू रिटर्न टू द बॉडी ऑफ योर डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन क्लोज हेडर एंड फुटर ऑन द डिजाइन टैब अंडर द हेडर एंड फुटर टूल्स. अगर आपने हेडर एंड फुटर अप्लाई नहीं करना तो आप वहाँ पे होम टैब में जाकर इसको क्लोज कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे ये हेडर है आपकी पिक में दिखाया गया, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन होगा. इसमें जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक पेज है, कुछ यहाँ पे हेडिंग्स हैं, अल्फाबेटिकली टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल है ये लिखा हुआ है नीचे, ये आपका सारा फंक्शन है. नेक्स्ट है पेज नंबरिंग. पेज नंबरिंग, पेज नंबरिंग जैसा कि आपकी बुक के ऊपर, बुक के फुटर में सबसे बॉटम में आपकी नंबरिंग लिखी होती है, पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, इसको हम रीड करने लगे हैं. अ यूज़र कैन आल्सो ऐड पेज नंबर इन द डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट में पेज नंबर ऐड कर सकते हैं. टू इंसर्ट अ पेज नंबर फॉलो दी स्टेप्स, अगर आपने पेज नंबर ऐड करना है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें. On the insert tab in the header and footer group, click on the page number. Number 2. Select the location where you want to add the page number. Select the location where you want to add the page number. Number 3. In the gallery, select the format that you want to choose for the page number. In the gallery, select the format that you want to choose for the page number. यहाँ पे हमने पेज नंबर पे क्लिक किया और ये नीचे पेज ओपन हुआ, टॉप ऑफ पेज बॉटम ऑफ पेज. अगर आप टॉप पे नंबर लिखने जा रहे हैं तो टॉप ऑफ द पेज, अगर आप बॉटम में नंबर लिखने जा रहे हैं तो बॉटम ऑफ द पेज क्लिक करें आप, तो वहाँ पे नंबरिंग आ जाएगी. जिस तरह यहाँ पे टॉप पे नंबरिंग है और इस पेज नंबर 3 में यहाँ प्लेन पेज में, यहाँ पे बॉटम में भी नंबरिंग आ जाती है. जैसे कि आपकी एग्जाम्पल भी यहाँ पे शो है, आपकी बुक पे नंबर 1 लिखा गया है तो ये पेज नंबर 1 है, ये टॉप पे हमने ये नंबरिंग शो की पेज नंबर 1. नेक्स्ट है फाइनलाइजिंग अ डॉक्यूमेंट. स्पेलिंग एंड ग्रामर, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज अ यूजफुल फीचर टू करेक्ट the misspelled word and grammatical errors. As the text is typed, MS Word identifies misspelled words by placing a red line under them. A green line is placed under the grammatical errors. The fastest way to
टू फिक्स स्पेलिंग एरर्स इज टू. नंबर वन है राइट क्लिक ऑन द मिस स्पेल्ड वर्ड. राइट क्लिक ऑन द मिस स्पेल्ड वर्ड. अ ड्रॉप डाउन बॉक्स विल अपीयर विद डिफरेंट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स. नंबर टू है सेलेक्ट द वर्ड दैट यू वांट टू रिप्लेस विद द मिस स्पेल्ड वर्ड. सेलेक्ट द वर्ड यू वांट टू रिप्लेस. जो वर्ड आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं उसको आप विद अ मिस स्पेल्ड वर्ड उसको सेलेक्ट कर लें. टू अप्लाई अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक. टू अप्लाई अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक यू वांट यू कैन यूज द स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर्स. नंबर वन ऑन द रिव्यू टैब क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर आइकॉन. ऑन द रिव्यू टैब क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर आइकॉन. आप इसके ऊपर क्लिक करें अ स्पेलिंग एंड ग्रामर बॉक्स विल अपीयर. तो जो स्पेलिंग का ग्रामर बॉक्स का जो स्पेलिंग का बॉक्स है वो आपके सामने इस तरह से अपीयर हो जाएगा जिस पे यहाँ पे स्पेलिंग भी लिखे होंगे, इग्नोर लिखा होगा, इग्नोर ऑल लिखा होगा. आप वर्ड्स को इग्नोर भी कर सकते हैं. नंबर टू चूज द अप्रोप्रिएट करेक्शन फ्रॉम द सजेशन दैट वर्ड प्रेजेंट्स. क्लिक ऑन द चेंज बटन टू अप्लाई द करेक्शन. अगर आप करेक्शन करना चाह रहे हैं तो आप चेंज बटन पे क्लिक करेंगे. जैसे कि यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है और ये अंडरलाइन हुआ है, इसके जो करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे लिखे हैं होम, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो वर्ड है होम में चेंज हो जाएगा. एच ओ एम ई स्पेलिंग इसमें आ जाएंगे. नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू. प्रिंट प्रीव्यू. बिफोर अ डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड इट कैन बी प्रीव्यूड टू सी हाउ ईच पेज विल लुक व्हेन प्रिंटेड. टू व्यू द प्रिंट प्रीव्यू यू फॉलो दी स्टेप्स. नंबर वन क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन क्लिक ऑन प्रिंट. फाइल टैब पे आप क्लिक करेंगे देन क्लिक ऑन प्रिंट बटन. फिर आप प्रिंट बटन पे क्लिक. अ प्रीव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट विल ऑटोमेटिकली अपीयर. टू व्यू To view each page, click the arrows below the preview. अगर आपने pages को देखना है, उनको view करना है, देखना है, तो आप arrows पे जो नीचे हैं उसके आप क्लिक करेंगे उनको. To go back to your document, click on the file button. अगर आप दोबारा अपने documents पे जाना चाह रहे हैं तो आप file button पे क्लिक करें. Printing a document. डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए आप ये स्टेप फॉलो करेंगे. फॉलो दिस स्टेप्स टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट. क्लिक ऑन द फाइल बटन. फाइल बटन पे क्लिक करें. क्लिक ऑन द प्रिंट कमांड. अब प्रिंट पे कमांड पे क्लिक करेंगे. क्लिक द प्रिंटर. सेलेक्ट द प्रिंटर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप प्रिंटर सेलेक्ट करें. क्लिक ऑन द प्रिंट बटन टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट. फिर आप प्रिंट बटन पे क्लिक करें तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे. सेव अ डॉक्यूमेंट. फॉलो द स्टेप्स टू सेव अ डॉक्यूमेंट. अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट कोई फाइल सेव करनी है तो हम किस तरह से उसको सेव करेंगे. क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड क्लिक ऑन सेव एज. आप फाइल टैब पे क्लिक करें फिर आप सेव एज पे क्लिक करेंगे. इन द फाइल यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया फिर आपने सेव एज पे क्लिक किया. देन इन द फाइल नेम बॉक्स टाइप अ नेम फॉर द डॉक्यूमेंट्स. फिर आप डॉक्यूमेंट्स पे नेम टाइप करेंगे उसका. जो भी उसका नाम आपने लिखना है फाइल का डॉक्यूमेंट्स का आप नेम लिखेंगे. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 4 लिखा है यहाँ पे. क्लिक सेव. देन आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेव होते हैं. तो स्टूडेंट हमारी रीडिंग खत्म हुई. नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. आइए स्टूडेंट अब हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड एंड. वर्ड्स हैं हमें ब्लैंक को फिल करना है. तो फर्स्ट है हमारे पास ब्लैंक. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलोज अ यूजर टू क्रिएट डैश. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलोज अ यूजर टू क्रिएट डैश एंड क्लिक कर क्रिएट करता है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है. यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे. ये हमारे पास डॉक्यूमेंट.
नेक्स्ट बी अ स्मॉल एरो इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ माय न्यू ग्रुप इज कॉल्ड अ डैश लॉन्चर, इसको कहते हैं हम स्मॉल बॉक्स लॉन्चर, यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स बी ओ एक्स बॉक्स लॉन्चर। नंबर थ्री, डैश रेफर्स टू द अपीयरेंस और लेआउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, डैश रेफर्स टू द अपीयरेंस और लेआउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये डैश रेफर्स क्या रेफर करता है, फॉर्मेटिंग रेफर्स, फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग रेफर्स। नेक्स्ट है डी, द डैश ग्रुप अलोज अ यूजर टू मॉडिफाई टेक्स्ट, द डैश ग्रुप अलोज अ यूजर टू मॉडिफाई टेक्स्ट। द फॉन्ट ग्रुप क्या आएगा यहाँ पे स्टूडेंट, फॉन्ट ग्रुप, यहाँ पे लिखेंगे द फॉन्ट ग्रुप अलोज अ यूजर टू मॉडिफाइज टेक्स्ट। बुलेट्स एंड नंबरिंग डैश मेक टेक्स्ट इजियर टू अंडरस्टैंड, बुलेट्स एंड नंबरिंग लिस्ट लिखेंगे यहाँ पे, कहते हैं मतलब लिस्ट, बुलेट्स एंड नंबरिंग लिस्ट। नेक्स्ट है एफ, द रिबन इज डिजाइन टू डैश असेस द कमांड्स दैट अ यूजर नीड टू कंप्लीट अ टास्क, द रिबन इज डिजाइन टू क्विकली क्विकली असेस द कमांड, यहाँ पे लिखेंगे क्विकली क्विकली असेस द कमांड। नेक्स्ट है जी, डैश टैब्स अपीयर ओनली व्हेन अ यूजर क्रिएट और सेलेक्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स सच एज इमेजेस टेबल्स etc, तो यहाँ पे मैं कहेगा कॉन्टेक्स्टुअल टैब्स, लिखा है कॉन्टेक्स्टुअल टैब। नेक्स्ट है एच, अलाइन लेफ्ट इज द डैश अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ, अलाइन लेफ्ट इज द डिफॉल्ट, यहाँ पे डिफॉल्ट। I have in order to add a new paragraph in MS Word press the dash key, कौन सी की को हम प्रेस करेंगे न्यू पैराग्राफ लिखने के लिए, एंटर की, प्रेस द एंटर की, जब हम नया पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो हम नई सेंटेंस को शुरू करेंगे तो हम एंटर प्रेस करेंगे। ये है a user can change the bullet system from the bullet dash bullet library। क्वेश्चन नंबर टू, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर इट स्टेटमेंट एंड राइट इट इन द गिवन स्पेस, नंबर वन है एमएस वर्ड इज मेनली यूज टू डैश टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड इज मेनली यूज टू टाइप, क्या लिखेंगे यहाँ पे टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप करने के लिए टाइप टेक्स्ट, सी इज द राइट आंसर, हमने सर्कल भी कर लिया। A user can change the face of selected document, selected text in document by clicking dash button. Clicking dash button, change, they will change case button. Change case button. Up next has C. Dash is used to copy the format that is applied to text. Dash is used to type. Dash is used to copy the format that is applied to text earlier in the dash document. तो dash में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये हमारा सी ऑप्शन है, format painted, font आएगा, text effect आएगा, font color या format painted, तो यहाँ पे लिखेंगे format painted is used to copy the format, fourth option is right answer, format painter। next head D, dash keeps the text at its original location and creates a duplicate of the text at another location, copying and pasting,
मूविंग कटिंग एंड पेस्टिंग. तो यहाँ पे आएगा कॉपिंग एंड पेस्टिंग. Next student, he dash formatting refers to the layout of a paragraph. Dash formatting refers to the layout of a paragraph. Number one, text, font, paragraph या documents. तो ये जो option है यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, paragraph formatting. देखेंगे यहाँ पे third is the right answer, paragraph formatting. F है क्वेश्चन नंबर F. डैश स्पेसिंग डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ स्पेस अबव और बिलो द लाइंस ऑफ टेक्स्ट. बिलो लाइंस ऑफ टेक्स्ट डैश स्पेसिंग डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ स्पेस अबव और बिलो द लाइंस ऑफ टेक्स्ट. नंबर वन, टेक्स्ट, लाइन, पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट. तो यहाँ पे आएगा लाइन स्पेसिंग. ट्रू आंसर क्या है, नंबर सेकेंड, लाइन स्पेसिंग. नेक्स्ट है पॉइंट नंबर G. डैश अलाइनमेंट अलाइंस द टेक्स्ट एंड पैराग्राफ अलोंग द राइट साइड ऑफ पेज, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई. यहाँ पे आएगा राइट, राइट अलाइनमेंट. नेक्स्ट है H. डैश अलाइनमेंट पुट द टेक्स्ट इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन. लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई. तो आंसर आएगा जस्टिफाई अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट द टेक्स्ट. नंबर फोर इज द राइट आंसर, जस्टिफाई. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आई. अ फॉर्मेटिंग डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स. फॉर्मेटिंग डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स. नंबर वन, पैराग्राफ, एक्शन, हेडर, स्टाइल. तो यहाँ पे हम फोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. फॉर्मेटिंग स्टाइल. नेक्स्ट है जी ऑप्शन. अ यूजर कैन आल्सो ऐड डैश नंबर इन अ डॉक्यूमेंट. बुलेट, फॉन्ट, पेज, क्लियर. तो यहाँ पे राइट आंसर इसका पेज. अ यूजर कैन आल्सो ऐड पेज नंबर इन अ डॉक्यूमेंट, पेज नंबर. तो ये स्टूडेंट हमारे टिक द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है ट्रू फॉल्स. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. ए ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर इसमें ए है. चेंज केस बटन इज यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट. बिल्कुल रॉन्ग है. चेंज केस बटन फॉन्ट टेक्स्ट साइज को चेंज करने के लिए यूज नहीं था. यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस. Before a document is printed, it can be previewed to show how each page will look when printed. तो डेफिनेटली हम ये देख सकते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू. टू अप्लाई कम्प्रीहेंसिव स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, यू कैन यूज अ स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर. स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर ही यूज़ करते हैं. बिल्कुल राइट है ये. टिक करेंगे यहाँ पे. MS Word identifies miss spelled words by placing a green line under them. ये बिल्कुल रॉन्ग है. नीचे जो मिस स्पेल वर्ड्स हैं उसको हम रेड लाइन से शो किया जाता है. ये बिल्कुल क्रॉस लिखेंगे. यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस. पैराग्राफ स्पेसिंग डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ स्पेस अबव और बिलो अ पैराग्राफ. बिल्कुल राइट. अ बुलेट इज अ सिंबल सच एज स्क्वायर और सर्कल दैट इज यूज टू मार्क द लाइन. लाइन को मार्क करने के लिए हम जो बुलेट्स यूज करते हैं वो स्क्वायर सर्कल की फॉर्म में होती हैं. ये राइट है. इसको हम टिक करेंगे. फुटर्स हेल्प इन रिपीटिंग द कॉन्टैक्ट एट द टॉप ऑफ एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट. जो फुटर्स हैं वो बॉटम में लगाए जाते हैं. हेडर्स टॉप पे लगाए जाते हैं, फुटर्स कहाँ पे होते हैं, बॉटम में. तो यहाँ पे तो लिखा है फुटर्स टॉप हैं. बिल्कुल रॉन्ग. यहाँ पे कराएंगे क्रॉस. अ यूजर कैन यूज द कमांड्स. अ यूजर कैन यूज द कमांड्स इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब टू अप्लाई पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. ये भी क्रॉस है. स्टूडेंट आपके टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं
इसके क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 4 के, मोर अबाउट एमएस वर्ड 2010। इसका क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर ए है व्हाट इज फॉर्मेटिंग। What is formatting? Formatting किसे कहते हैं? लिखें इसका आंसर लिखते हैं। Microsoft Word has several tools help in formatting text. Next have formatting. Formatting refers to the appearance or layout of a document. Microsoft Word has several tools help in formatting text, formatting efforts to the appearance or layout of a document. Next, try question number B. What is the format painter feature? The format painter feature allows a user to quickly copy the format that is applied to text earlier in the document. Question number B. Next, a student question number C. What is the difference between copying and pasting and cutting the text? Copying and pasting keeps the text at its original
location. Creates the duplicate of that text at another location cutting removes the text from its original location and pasting moves the text to another location. This student question number C, copying and pasting keeps the text at its original location and creates the duplicate of the text at another location. Cutting removes the text from its original location and pasting removes the text to another location. Up next, a question number D. What is the use of undo and redo commands? What is the use of undo and redo commands? यहाँ पे लिखें student undo command allows a user to reverse the previous action जबकि हमारे पास जो redo है redo command allows a user to restore the action that was reversed with the undo command. Next, question number F. Question number E. What is meant by lining the paragraph? Next student, question number E. अब हम question number E solve करते हैं. Question number E है, what is meant by aligning the paragraph? It refers to the position
the position of text in a paragraph between the left and right margins. Next student, question number F. Write the steps to save a document. डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए हम क्या स्टेप्स यूज करेंगे वो हम लिखते हैं. फॉलो द स्टेप्स टू सेव अ डॉक्यूमेंट नंबर वन. Click on the file button. And click on save as. सबसे पहले आपने file button पे click करना है, then आपने save as पे click करना है. Number two, in the file name box type a name for the document. Number three है click save. Number four, the documents will be saved. तो स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर ये टू. चैप्टर नंबर फोर जो है मोर अबाउट एमएस वर्ड 2010 ये कंप्लीट हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी रीडिंग की, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व की, देन हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए. अल्लाह. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.